सब ऐसा। तो गाइस इसी की खुशी में पापा को एक एक गिलास घी पिलाएंगे। बहुत चिल्ला रहे थे कि नहीं पीना जी। सुना ना बेटा, जरा एक लोग ने खाए पिया बता सम है। और बता बता फटाफट, वीडियो बन रही है यूट्यूब पर डाल दो। डाल कि आज पापा और मेरा झगड़ा हो गया भयंकर वाला। तो भाई गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, स्वागत है और सुबह के लिए मस्त वाला गुड मॉर्निंग। और गाइस अंकल को इच्छा काटा। तो गाइस अंकल को इच्छा काटा तो कहाँ काटा? दूसरी बात। तो गाइस अभी चाय बन रही है और गाइस सुबह सुबह रोज चाय पीने आ जाता है और रोज का एक कप चाय कम करता है। तो गाइस अभी इसके घर भी जाना पड़ेगा चाय पीने। लाइव में इतना यार तो वो सुबह कहीं नहीं आए। तो अभी चाय बन रही है, चाय पियेंगे और ये आ गए मेजबान तो इनको पिलाना पड़ेगा। जो मेजबान आ रखा है वो तो कहीं का और ये दूसरा आ गया और पी रहा चाय यहाँ पर। चाय पियेंगे मस्त बनाकर। तो गाइस कल अंकल की कमाई हो गई कितनी होगी? 2400-2500 गई थी। तो गाइस तो गाइस अंकल बता रहे कि 2400-2500 तो इतने पैसे कमाते हैं, इसके बाद भी चाय मेरे घर पीने आ रखे हैं। तो गाइस होटल पर भी पी सकते हैं, 2500 कमाते हैं तो होटल पर भी पी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पी रहे चाय। इतनी वीआईपी जिंदगी मोहिनी लाग ले चाय अच्छी आओ सा। तो फिर कल क्या फिर खाए? दूध लेना क्या? दूध ना का है ये कहीं नहीं बकरी का जाना बकरा में निकाल तो नहीं मोन ना इन पियो। तो गाइस ये 2500 कमाते हैं तो मोल लाकर पी लेते हैं। मेरे घर वाले 1000 कमाए हैं तो गाइस नहीं लाए मोल और यहीं से बकरी वाले ही मतलब क्या बना चाहिए यार, काढ़ा चाय बना करके। दूध भी तो कहीं नहीं है वो भाई, अभी तो मोल लाए कहीं नहीं है। अभी धुन लाए थे कहीं तो नहीं कर भाई दूध आए के नहीं गए भाई बोल लो मोल लाए को। तो गाइस दादा भी मोल लाकर पिए भाई जा रहे हैं और पीते हैं चाय क्योंकि चाय लाना पड़ेगा। अरे दूध भी लेने जाए ठंड नहीं लगा तू लिया हो तो मैं पहले तो हम गए थे कहीं ना तो तू लिया आओ तुम दी दे तू काय मालूम यार तुम ले आओ और पछि मार दो दस पड़ रहे यार। तो तू तो ली आओ तो मैं सब दी दे दे भाई साहब। तू टेंशन काय कर तू जाए तो ली आया कर रहे क्यों हम। आ चाय का तेरी होई करे जाऊं कहीं तो लो कांड जाने से करन के चलो हाल पलो चार्जिंग यान पड़ी कहां जाए मछली बनाकर खाए। 2500 कमाते लेकिन त्यार नहीं बनाए और मछली खाए मुंटे थियो। आज मच्छी तो आज तैयार बनाकर खाएंगे। तो आज ही अंकल लड्डू बनाएंगे। पांच एक बजे थे आउते रहा खेत में आते बाजार के दिन का तैयार बन रहे हो तो पांच बजार आज शांति बनाओ। हाँ शाम को तैयार बनाओगे तो भाई शाम को तैयार बनाएंगे देखते हैं क्या बना है। तो बना ले आलू बड़ा मिर्ची कचौरी कचौरी आलू वहाँ थे मसालू 20-1 रुपया बना लो ले आऊंगा बना ले मतलब का ही नहीं बना हाथरो बनाओ ने का बनाए 1 रुपया और दे दिन होटल पर दे लिया और फादर डडम 2-1-2 की आज ही दिन में अबे 10 के एक दे दूंगा 20 रुपए का मसाला लाइन में आलू बड़ा 10 बना ही लूंगा 20 आलू बड़ा बना ही लूंगा 20 रुपए का मसाला छोटा छोटा कहे। तो गाइस देखते हैं बनाता कि नहीं बनाता अभी तो चाय नहीं मार का अपना सिर्फ गांव और ये चाय पीने आ जाते हैं रोज की रोज 2500 कमाते हैं उसके बाद भी इसीलिए इच्छा ने काटा इसको तो अगली बार नहीं आना चाहिए। तो गाइस खाना वाना तो हो गया और गाइस आज बना है गोभी और टमाटर और भटले तो तीन आइटम मिक्स करके हमें बना दी है। और गाइस अभी
इस रोशनी को भेज रहा हूँ दूध लेने के लिए, तो गाइस दूध लाएगी, उसके बाद चाय बनाकर भी आएंगे, क्योंकि सुबह दूध ही नहीं निकला बकरी का, तो गाइस चाय नहीं बनाई, सही ढंकी नहीं बनी और बेकार बनी। और गाइस अभी मम्मी पानी गर्म रख दिए, तो गाइस नहाए आएंगे, शायद ही नहाऊंगा, पैर हाथ पाँव धो लूँगा। और गाइस आज जाना है बाग, तो गाइस संदीप का कोई थोड़ा सा काम है उसके यहाँ, तो जाना पड़ेगा, तो मज़ा आएगा, पार्क जाएंगे और वहाँ पर कुछ बकरा वकरा बना रखे हैं, कोई नुकता उकता है, तो गाइस वहाँ भी जाएंगे। तो अभी तो जस्ट खाना वाना तो हो गया, बस अभी चाय बनाकर पीते हैं मस्त वाली। और गाइस आज मम्मी खेत वेत में काम करने जाएगी, कहाँ जाएगी मम्मी आज? अभी जाऊँगा काम करने। कहाँ? कपास है चाहिए, चल कपास था ही नहीं इसमें, कहाँ ढौड़ान हुई रही है, तो गयो कि नहीं खेत में? तो गाइस कपास फूट रखा, तो मम्मी बीनेगी क्योंकि मैं तो नहीं बीनू, तो अभी देखते हैं, जो चाय बनाओ फटाफट, चाय मिल, चाय तो बनाओ मम्मी, हाँ मगर बड़ा बाल्टा पानी में नहाऊंगा, फिर जरा घड़ी नहीं नहाऊंगी, तो ऐसा भी मम्मी नहाए भाएगी। और गाइस वहाँ तक चाय बनाए बनाकर पीते हैं। सभी जा रही है मोंटी आटा पिसवाने, तो गाइस ये है मक्की का आटा, तो यही जाती है पिसवाने। और अभी चार रुपया तो कम आती बचत का, और ना तीन रुपया वो सात रुपया बचेंगे तो मोनी खा जाएगी वो और ये अभी जाएगी आटा पिसवाने, और पहले भी यही गई थी, तो गाइस तब गेहूं का था, अभी ये मक्की का है। अच्छू लड़ार जी मतलब काय करनी चाहिए वार, अभी बारीक और गाइस अभी चाय बनाकर पियेंगे, चूल्हा जल गया है मस्त, तपेट रखते हैं मस्त ये भैया, ओम ओ, और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ये, और थोड़ा गर्म होने दो, वहाँ तक रोशनी आ जाएगी। संतोष भाई घर आकर असलो आकर, तो फाइनली गए संतोष भाई के यहाँ से दूध ले आए दुकान से, और उनको भी खर्चा दे दिया थोड़ा सा, कितना रुपये दे? 2 रुपये में गए दूध ले आए हैं और अभी मोंटी को भेज रखे हैं, मोंटी कितना दी? 7 रुपया 20 रुपये देते, 7-1 रुपये बचेगा ना, 7-8, तो गाइस उनको भी भेज दिया है, तो गाइस थोड़ा बहुत काम करते हैं, मोंटी दादा अच्छे काम कर गया हमें, सुन ही ले काम क्यों, ये दूसरी तो पैसा कहते हैं जाए नहीं तो नहीं जाए, नहीं सुन ही ले काम, कहीं भी काम करिए तो मना नहीं कर, ऐसे ज़्यादा जाया हो क्यों। तो गाइस अभी चाय मम्मी बनाएगी और पियेंगे, और गाइस आज की चाय खतरनाक भयानक बननी चाहिए, मम्मी को चाय पीने से मना कर देंगे और बनाने से मना कर देंगे, तो गाइस मम्मी बोल रहे कि बड़े बाल्टे में रखो क्योंकि छोटे बाल्टे में पानी कम ताता होता है, मतलब कम गर्म होता है, इसे बोल रहे मम्मी। ये मैं आटे एक दिन होगी तो हाँ दो एक काव को एक तो नहाऊंगा। तो गाइस मम्मी 8 या 9 दिनों में नहाती है, इसलिए क्योंकि मम्मी का मतलब चेहरा स्मार्ट दिखती है मम्मी, इसलिए नहीं नहाती है और ऐसी हो रखी है। सभी हाथ तो देख मारा कसा सब गारम हुई हुई फूटी फूटी, तो गाइस मम्मी के हाथ खराब हो रखे हैं ये सब भोलो चोष्टी जाए इतने दिन भर सुखाए ना। तो गाइस मम्मी बहुत सारे पैसे कमाती है, लाखों रुपए कमाती है, और गाइस उससे पैसे कमाती है उससे राजू को भी देते हैं, राजू को महीने के 10,000 रुपए देते हैं, क्या 10,000 देगी कम दे? अरे एकदम तो मांग लिख तू जानो रात्रा ध्यान आतरा ध्यान करे, तो गाइस अभी लिस्ट बनाकर लिखना पड़ेगा और राजू को जितने पैसे देते हैं उतना लिखना पड़ेगा, तो कैसे पप्पा के लिए भी चाय बनाएंगे, और क्या बताऊँ आज हमको बाग भी जाना पड़ेगा, ला 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 कै हुई जो गरम हुई जाएगी कदमा नहीं मका तो गोदू में मैं आंसू थोड़ा वाटर नहीं खाऊं, तो कैसे मम्मी को ज्यादा गरम करना पड़ेगा पानी, पहले मैं जरा पानी के नहा, तो चेंज करते हैं और इसमें रखते हैं मोट बड़ी बाल्टी में, तो फिर तो वायर निकाल देते, ये गाइस खुले वायर है पानी का, एक कदम नहा दिया भाई एकदम नहा देना बाल्टी में, तो गाइस पानी ऐसी बाल्टी में डालना है, तो गाइस फुल भरा गया बाल्टा, और इसको यहाँ पर बहुत वजन लग रहा है, अब इसको यहाँ पर रखते हैं गाइस, अरे बूढ़ी तो क्यों मम्मी, ये तो फाइनली गाइस आग बहुत बढ़ गई लो, अभी यहाँ पर लगाते हैं ऐसे वायरिंग गाइस, इससे डर भी नहीं लगता मुझे थोड़ा भी नहीं, और मम्मी नहीं लगाती, मम्मी को डर लगता है कहीं क्यों, ये गाइस लगा दिए फाइनली, अभी गर्म होगा मस्त, और
गाइस मम्मी हीटर से पानी मतलब वायर लगाते मम्मी को नहीं आता है। चाय बनाओ तू बनाओ मकत नहीं आओ अभी ओकली जाने के बाद नहा दीजिए शक्कर चाय की पैसा फिर पियेंगे हतरात में पीर बना लिया हूँ वार बना गए फाइनली गाइस चाय बन गए है और पीते हैं और मम्मी तो पीने लग गए हैं चाय कैसे लग अरे बाबा सब तो सारा डोला देगा कि नहीं ना बाल ना काटे ला तो गाइस आग उड़ के मेरे पास आ रही थी भाई मैं लगा बुरको पड़ जाएगा मेरे को जला रही थी लेकिन गाइस मैं नहीं जला तभी तो चाय पीते यार उल्टे उल्टे काम होते हैं और चाय पी लो गाइस दूसरी बार आ हाय हाय इतना सुकून बिस्कुट है कि नहीं तो गाइस अच्छी लग रही है चाय मस्त मजा आ रहा है तो गाइस अभी मम्मी एक्सपेरिमेंट करेगी ये भैया करंट में गाइस करंट में ये करंट मारेगा वो आईडिया नीली छी लाकड़ी तो गाइस ये मम्मी ऐसे गरम कर रही है ये अभी देख बोलू आज थी बन रहेगी पागल घर से निकल गए हैं और गाइस अभी जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं आगर जा रहे हैं और गाइस वहाँ पर है नुक्ता से क्यों नुक्ता नहीं है वहाँ पर गाता गाड़ रहे हैं तो कहते गाता गाड़ रहे हैं गाइस तो अभी जाते हैं और गाइस ये बाइक और अभी निकलेंगे तो गाइस संदीप भाई चलाएगा और निकलते हैं वाई टू आगर भाई चल्लू कर दिया अभी ले जाएगा 100, 200, 300 स्पीड में तो भाई फिर मजा आएगा बहुत स्पीड से चले जाएंगे और जिंदगी गाइस अभी आंजनिया पार होएंगे और फिर बाग पार होना पड़ेगा फिर आएगा गांव गाइस बाग में आ गए हैं ये भैया ये और संदीप भाई चला रहे हैं भयंकर तरीके से गाड़ी को पहली बार बाग में निकालते हुए गजब तरीके से और गाइस ऐसा बजा रहे माहौल बाग से थोड़े आगे आ गए इधर गली और इधर ही से जाना है आगे और भाई साहब क्या माहौल जे भैया ये ऐसी लोंडिया तो दुकानों पे बहुत मिलती है लेकिन यार अरे यार काय मुंडा से निकला रे वो लोग वहाँ भी वो लोग जाए ना काई के मुंडा निकली क्यों कहीं मुंडा गाई से ऐसी लोंडिया तो हर रोज निकलती है ओ वो कुछ और ही बोल देता हूँ गाइस तो दिल पर मत लेना और लोग देखना शांति से यू का हरी पेट्रोल भरवाएंगे यहाँ पर बहुत ही पेट्रोल जी भैया तो गाइस अभी जा रहे हैं संदीप के खेत में तो गाइस इधर है तो गाइस इधर रास्ता बहुत भयानक है गाड़ी भी नहीं चल रही मतलब फिसल रही है गाड़ी और क्या बताऊँ मतलब इधर का क्षेत्र बहुत ही खतरनाक है तो गाइस क्या बताऊँ यार मतलब रास्ता बहुत ही भयानक है और गाइस यहाँ का माहौल एकदम आदिवासियों की तरह है पूरा आदिवासी और बहुत ही भीड़ रहते हैं भीड़ गाइस आदिवासी टप्पा देते हैं गाइस यहाँ पर निपटा भी सकते हैं हमको लेकिन संदीप भाई का गांव है तो यहाँ पर कोई कहीं नहीं करेगा और अभी मिला आपको दिखाते हैं घर और यहाँ पर बिल्ली बिल्ली सब जाते हैं तो गाइस मिलते हैं खेत में अभी सामने पता तो गाइस घर वर देखो कितना खतरनाक है वाह बवाल चीज है वे तो गाइस सामने देखो यार रोड कितना खतरनाक है अब रोड देखने का लायक है हाँ तो फाइनली गाइस यहाँ पर जो मूवी बनती है ना ऐसे जंगल में बनती है और केजीएफ की शूटिंग हुई थी वो यही हुई थी हाँ गाइस फाइनली यही हुई थी गाइस तो देखो यार रोड कितना खतरनाक है तो गाइस ये तो अपनी तरह
देख अपन वीडियो भी बना रहे अपन बटन काम भी जस रहे यार इने चीज में जैसे अपन ब्लॉग बनावा ने एकदम दो ही फायदा है अपना काम के साथ में वीडियो भी बन जाती है हमारी इसके लिए तो हम गाइस यार खाई वाई देखो कितनी खतरनाक है ये। और गाइस अभी जा ही रहे हैं और अभी तो खतरा किलोमीटर बाकी है। आ गया इधर तो गाइस ब्रस्ट आ ही गया है तो अब देखते हैं जाकर खेत में क्या वो रखे हैं वो देखेंगे। तो ये देखा सही गाइस यहाँ पर मतलब क्या बोलना चाहिए यार खाई बहुत ही खतरनाक है अगर यहाँ से कूदे तो मौत भी हो सकती है इतनी ऊँचाई है। तो देखते हैं घुमा कर इतना ये गाइस नीचे है और यहाँ से तो पूरा दुनिया ही दिख जाता है ऐसे लगता है लेकिन ये खाई दिख रही है और इधर बहुत बहुत ही जंगल टाइप एरिया है ये। और अभी तो थोड़ी देर और बाकी है ऐसा कितना खतरनाक है यार यार थोड़ी सी जगह है अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक तो हाँ इनका देखना भी कहीं नहीं है। धीरे धीरे जान लो गिरना नहीं चाहिए ब्रो इज्जत का सवाल है हमारी हेड डाउन कर दो देखो तेरे नाम नहीं है नाम कर दो ये भैया ये बस ये है संदीप भाई का खेत और गाइस यहाँ पर कपास डाल रखे हैं भयानक वाला ये। तो गाइस कपास वपास तो देखो खतरनाक कितने सारे काले हैं मतलब बहुत सारा कपास निकला होगा। तो भाई साहब बहुत मतलब मेहनत भी करते हैं और गाइस कपास भी भयंकर निकलता है क्योंकि इधर की ज़मीन बहुत ही खतरनाक है और गाइस पूरा जंगल एरिया है अगर यहाँ पर कोई अकेला आए तो गाइस लूट भी सकते हैं बहुत ही एड़े काम है एड़े चाला वाला काम है यहाँ पर। और तो गाइस उधर वो तालाब भी है और वो पाइप पाइप डाल रहे हैं उधर भयंकर तरीके से। यू के को हरियो यू ऑटो है हमारे यू अदर मोटी से मेरा हरियो के भाई हरियो बीरा है टापरो रा है टापरो है इस बना है रे रहा देखी ना। तो गाइस कोई टापरी बना रखा है तो देख क्या आते हैं ऐसा भयंकर वाला गाँव है गाइस यहाँ पर। ये भैया ये संदीप भाई का खेत ये भैया और गाइस ये यहाँ पर बनाकर खाते हैं काई लाग रही तारो मार बड़े पापा को बोल दिया। तो गाइस बड़े पापा का लड़का यहीं पर रहता है ये तो ये मोटरसाइकिल यहाँ लाई रही हाँ। और गाइस ये रहने का सिस्टम बना रखा है क्योंकि यहाँ पर कपास भयंकर फूटता है तो गाइस कोई भी बीन कर ले जाता है तो इसीलिए यहाँ पर रहते हैं। और ये चार्जिंग वार्जिंग सब है गाइस चार्जिंग भी रख सकते हैं यहाँ पर। और गाइस उधर तालाब भी है वो वहाँ पर है गाइस यहाँ से तो दिखेगा नहीं। और गाइस ये मच्छी पकड़ने का सिस्टम भी है ये गाइस ये अपने पास रहता तो अपन भी मच्छी पकड़ दे कोई मच्छी धनक सिस्टम नहीं। और गाइस वो तालाब तालाब है यहाँ मच्छी छा गया और तो गाइस यू यू यहाँ में भरा जाता है क्यों तालाब यहाँ चढ़ गई कहीं मच्छी तो खेत भाई हमारू खेत नीचे आइयो आओ। तो गाइस ऐसे देखो भाई का खेत भयानक तरीके से है और गाइस यहाँ पर बनाकर खाते हैं इस संदीप के बड़े पप्पा का लड़का और यहीं पे रहते हैं और यहीं पे खेती करते हैं ये भैया खेत में तो देख लिया और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाला खेत है और गाइस पूरा इलाका ही खतरनाक है यहाँ का। और गाइस यहाँ पर ना बेड़ी मतलब बेड़े मतलब पूरा बेड़ा खेत है मतलब फिर भी यहाँ पर खेती करते हैं। और गाइस हमारे इधर जो है ना खेत एकदम प्लेन है और यहाँ पर तो बेड़ी पर ही खेती करते हैं मतलब बहुत ही खतरनाक सिस्टम है। और अभी जा रहे हैं जो वहाँ काई छे वहाँ छे काई छा काई छा अपन आई रहे वहाँ जा रहे थे गाता। तो गाइस वहाँ पर गाता है तो आज बकरा मारे तो वहाँ तो शायद ही वहाँ तो शायद ही ब्लॉग बनाएगा नाथ है शायद ही ब्लॉग बनाएंगे वहाँ पर देखते हैं खाएंगे वरना चले जाएंगे वहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे और फिर घर चले जाएंगे। तो अभी निकालना है गाइस रास्ता बहुत ही एड़ा रास्ता है और निकालने में तो फटती है गाइस क्या बताऊँ यार यहाँ से निकालने में अगर थोड़ा सा भी मतलब मिस्टेक तो डायरेक्ट नीचे गेहूँ में चले जाएंगे। तो अभी चलते हैं अभी कहाँ जाऊँ अगर वहाँ जाऊँगे ताड़ी पीने चला तो गाइस भाई को ताड़ी पीना है तो देखते हैं अगर पियेंगे तो ब्लॉग बनाएंगे। तो हाय गाइस मैं और रघु यहाँ घूमने के लिए आए हैं इधर मुझे सिगरेट पी ऐसा लग रहा है टूक लग रही है और धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है पर मैं पीता हूँ क्योंकि मुझे जल्दी मरना है और इसको नहीं मरना है ये दारू गुटखा कुछ नहीं पीता और ये सुअर भी हमारे साथ में और गाइस बकरा बन रहा है वो खा के जाएंगे कि अब देखते हैं वो तो देखा जाएगा। यस अभी मैंने वगी नहीं करा 500 रुपये दिए रखे हैं तो वो करना है ये टावर भी चालू है हमारा हम हमारे गाँव में रहते तो हम इस टावर को ही चोरी कर लेते
और इंजन है उसको बेच देते। तो चलो देखते हैं आगे, यहाँ दुकान बहुत दूर है, लंबी टूर पे हम निकल चुके हैं। तो जाते हुए आगे का रास्ता वहाँ सिगरेट पीते हुए आपको दिखाऊंगा मैं। चलो बाय बाय तब तक के लिए। पर तो गए थे और बहुत सारा खा लिया, पेट भी भर गया नहीं भरा। और अभी जाएंगे वहाँ, जो क्या बोलना चाहिए यार, जो आ रखे हैं ना, जिस काम से आ रखे हैं ना, वहाँ पर जाएंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे। अभी तो गाइस 1-2 किलोमीटर है दूर, बहुत दूर है, 1 किलोमीटर लगभग। यहाँ दुकान पर आए थे तो दुकान भी मिल गई और यहाँ से भी वापस जा रहे हैं। और गाइस वहाँ पर जाते हैं, अब क्या होता है, कितना टाइम लगेगा और फिर घर जाएंगे। यह संदीप का भुआ का गांव और यहाँ पर इकट्ठे हो रखे बस। और ये घर है, और ये घर गाइस गांव अंदर घर में बालकनी बालकनी आप रखे हैं। गाइस दारू दे रहे थे संदीप भाई को, लेकिन लिया नहीं, बड़ा नेता बन रहा। और गाइस मेरे को बोल रहा था कि तू ले लेना, मैं पी लूंगा, ऐसे बोल रहा था, तो फिर मैं लिया नहीं गाइस। ये बहुत बड़ा सुअर है और गाइस ये दारू पीता है, लेकिन झूठ बोल रहा है यहाँ पर, मतलब खुद को साबित कर रहा है कि मैं नहीं पीता हूँ, ऐसे साबित कर रहा है। ठीक है जी, सलजी उड़े हम भैयो। और गाइस अभी बकरा कब खिलाएंगे तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर बेटा जी है खेत में, ये वो अभी दारू पिला रहे हैं, मैं तो पीता नहीं, और भाई भी पीता है लेकिन पीने का, और फिर उसके बाद खाना खाएंगे, देखते हैं क्या होता है। और ये बाकी माहौल इधर ये दारू बेच रहा है भैया, ये पूरे खेतों में माहौल माहौल वहाँ पर जी रहे हैं, और देखते हैं क्या होता है ज़िंदगी। तो हाय गाइस, ये अपने कुछ लिया नहीं है हमारे साथ, छोटी छोटी गिर भी है मजी है, और पीछे बहुत बड़े भयानक लोग बैठे हैं, हम ज़्यादा नहीं बना सकते यहाँ, इधर लोग यहाँ बैठे हैं। बकरा और घाट बन रखे, वो खाएंगे मस्त। यस वही बनी है, घाट आ चुके हैं, तो आप हम नहीं दिखाएंगे वो घाट और खाएंगे। तो ये अच्छा नहीं लगता इन लोगों में, जब पैसे मिलेंगे तो पक्का दिखाएंगे हम सबको। संदीप भाई के पास और बकरा डालेंगे, अभी बोटी बांट रहे हैं, आपको दिखाएंगे बोटी भी। और आएंगे आएंगे हम वीडियो बना बता रहा जी गाइस। गाइस बोटी बोटी ये संदीप भाई के पास से बहुत सारी बोटी आ गई, ये खा रहे हैं, कैसे लगा? तो भाई सभी खा लेते हैं बकरा, रस देंगे उसके बाद खाएंगे ये। और ये छोटा भाई खाना खा लिया, भयंकर चरका था, क्या बताओ भाई। गाइस आज जब भी चलते हुए यहाँ से गाड़ी निकाल कर भाई शोरूम में गाड़ी की है तो बोल देना, अभी दे देंगे नहीं तो चलते हैं अपनी बाइक के पास। ये रहा चाबी निकालू, हेडपम्प से अगर रुकने से, अरे चाबी नीचे पड़ी। तो गाइस मिलते हैं हेडपम्प के पास पानी पीते हुए। सामने दी तो गाइस अभी जा रहे हैं, और गाइस हेडपम्प पर पानी पी लिए, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे तो ब्लॉग नहीं बनाए, और अभी जा रहे हैं जस्ट, तो बाई टू यहाँ से जा रहे हैं घर, तो घर मिलेंगे चाय पीते हुए, तो शायद दूध वूध ले जाके चाय बनाकर पिएंगे मस्त, तो चलते हैं बाई टू। यस अभी जस्ट संदीप यहाँ से आया, संदीप के घर से, तो गाइस चाबी नहीं मिल रही। हाँ गाइस मिल गई चाबी ये, तो गाइस जस्ट आया, और गाइस वहाँ चाय वाय पी कर आया, मस्त पी लिया चाय, संदीप भाई बनाया था तो गाइस पी लिया, और अभी ताला खोलते हैं। और भाई साहब घर तो कोई नहीं है गाइस, सब जाए ले खेत में काम करने के लिए, कपास बिनना ऐसे करके मम्मी बोल के चले गई, कपास बिनना आ जाना करके, तो गाइस में तो गया नहीं, और संदीप के यहाँ चले गया था, तो गाइस वहाँ गए थे, तो संदीप के खेत कितने बड़े बड़े थे, बहुत खतरनाक, एकदम बेहड़े इलाके में थे खेत, मतलब बेहड़े में। तो गाइस अभी जस्ट आ गया, और अभी चार्जिंग भी रखता हूँ, मोबाइल भी डिस हो गया, और गाइस बेलों बेलों को पानी चारा सब, और गोबर भी निकालना है, तो गाइस वो तो सब मेरे अंकल की लड़कियाँ निकाल देगी, अभी निकाल दूँगी, सभी निकाल दूँगी करके बोल रही थी, तो देखते हैं। अभी तो मोबाइल चार्जिंग रखते हैं थोड़ी देर, और वहाँ तक मैं कुछ काम कर लेता, बहुत सारा है, वो पूरा पूरा गाँव ही निकाल रहा है मेरे घर गोबर, तो वही सभी निकाल रहे हैं गोबर, ये निकाल 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 फटाफट ये भैया, ए गोबर हट जा, ए गोबर निकाल जा, हट जा गोबर हट जा। तो वैसे देखो कितना भयंकर चाय, तो चाय कौन कौन पिएगा तुम?
सब पिया होगा। तो गाइस ये सभी चाय पिएगी। हाँ तो गाइस ये तो रोटी भी खाएगी, तो रोटी भी देना पड़ेगा। और ये भी खाएगी, दो ही खाओ। नहीं तू काई खाएगा? हाँ दारू पिएगा, दारू पिएगा गाइस, दारू पिलाना पड़ेगा इसको। और बाकी ये निकाल रहे हैं भयंकर तरीके से। सब की सब निकाल, तीन को तीनों को निकाल दिया। ओ है कर अंधा भाई, एक मत बेटा पड़ जाएगा, ये निकाल देगा भाई, निकाल रहे हैं ये भैया। तो गाइस वो रो आया छोटा सा बच्चा। ओए हे हेड फटाफट, ओए अतरा तो बस निकल ही गया, खत्म हो गया। बस अब इनको चाय पिलाना पड़ेगा, भयंकर वाली चाय। और ये तरा बच गया बहुत सारा गाइस, तो इससे हमको घाटा हो जाता है थोड़ा सा पैसों में। निकालो फटाफट चाय बनाओ, बनाओ बस। तो गाइस ऑर्डर दे दिया, बनाओ तो बनाना पड़ेगा चाय, तो बनाना पड़ेगा ना। तो पिलाऊंगा कि तो नहीं पाऊं चाय, तुमको कोई का चाय नहीं पाऊं, नहीं पियोगे, नहीं पियोगे तो कौन पाओगे, मिट्टी नहीं पाऊं, कोई का चाय नहीं दियो, रोशनी का दियोगे, रोशनी तो काम करे, तुम करे नहीं काम। तो गाइस सभी काम करी करके बोल रहे, तो गाइस इनको चाय नहीं पिलाएंगे, फाइनल डिसीजन की चाय किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि गाइस अभी गर्मी बहुत हो रही है, तो गाइस चाय नहीं पीना चाहिए ऐसे मैं बोलता हूँ, तो नहीं पिलाएंगे कोई का चाय नहीं मिला, समझी हो, एक भी नहीं मिला, कोई का चाय नहीं दे, देख लो रोटी भाई का दे ले जा रही, तो गाइस रोटी ले जा रही, ले जा ले जा। तो गाइस रोटी नहीं है, खत्म हो गई है और इनको भूख लगी है, तो गाइस शाम को बनाएंगे तब खाएंगे। और गाइस आज मेरे घर बनेंगे लड्डू और वो खाएंगे मजे से, ओ माय गॉड मेरे फेवरेट लड्डू बनेंगे, वही खाएंगे, तड़का भी बनेंगे। तो गाइस इनके यहाँ भी बनेंगे, और अंकल बोल रहे थे कि मिर्ची आलू बड़े सब बनाएंगे, तो गाइस मसाला लाएंगे दुकान से, तो वहाँ पर भी जाकर खाएंगे और मजे से खाएंगे और मजा आएगा गाइस, क्या बताऊँ। तो गाइस अभी मेरे लिए गर्म वाला पानी तो नहाना पड़ेगा, और फिर चाय बनाकर पियेंगे, तो थोड़ा सा नहा लेता हूँ, उसके बाद वेट दो मिनट नहा के ब्लॉग बनाता हूँ, फिर चाय बनाते हुए। तो गाइस अभी चाय पी रहे हैं, और हमारा संदीप भाई भी यहीं पे जो इंस्टाग्राम चला रहा है। और ये आग चल रही है, और गाइस अभी घर वाले आ ही जाएंगे थोड़ी देर से। ये घर वाले आ गए और फालतू के ज्ञान फैल रहे हैं ये, और ये संदीप भाई और फालतू में ऐसे ही चिल्ला रही मम्मी। तो गाइस मम्मी को चाय पिला दिए, और गाइस आज बनेगा घर में लड्डू बनाएंगे, तो मम्मी बनाएगी लड्डू, तो ले आओ हम सामान, तो पैसा इधर। तो गाइस अरु रहू ने खेत में जाण उठलू, वो सब्जी लाण उठलू, काल मेल नु सकी पालक की भाजी ले आई नुया मेथी की रही थी न इली आई तो योगे साटे स्पेशल पल्ले 1 किलो को रवा को पलबो मीठला सूजी हां सूजी को काई गई ते को बनाई ते क तीन ही भोग लगा रे पल्ला का भाव नहीं पला असला कड़वा कड़वा नहीं ये शक्कर का हां रवा का था मारी बात सुन कई मुड़ा ले आओ हम जाए ना चलो तो मारी बात सुन चलो पैसा देते हैं। तो गाइस अभी मम्मी पैसे लाखों रुपए निकालेगी और फिर लड्डू लेने जाएंगे। क्यों यार संदीप, तो गाइस फिर चलते हैं, मम्मी पैसे देगी 500-1000 रुपये, तो उसके बाद चलेंगे। और भाई इंस्टाग्राम में मैसेज चला रहे हैं, झूम करते हैं
ये भैया ज़्यादा जो मम्मी का आईफोन तो नहीं है बन ठीक। तो गाइस फाइनली मम्मी पैसे निकाल रही है अब, और अभी हमको देगी भाई पैसा 50 उड़ीन बाहर निकली गेलो तुम्ही पचू लाइन मत खाय उठ कहाँ छे गाड़ी पर कहाँ गाड़ी पर मैं यार मोटरसाइकिल पर बैलिया गाड़ी। तो गाइस रजगा लेने जाना पड़ेगा भयंकर वाला रजगा, तो देखते हैं कहाँ है रजगा। तो फाइनली गाइस कड़क कड़क नोट हो गए, तो आज तो बिरयानी खाएंगे पूरे 500 की और बियर पियेंगे। बियर में पिलाऊंगा की पड़े दुई देख हमारी बात सुन, दुई बियर न चार बिरयानी प्लेट करेंगे सब बियर। तो गाय लाऊंगा आधो किलो रवो, एक किलो शक्कर, आधो किलो तेल, बाकी बचे 10 रुपए की इलायची, 5 रुपए की इलायची ले आती। घी न खोपरो घी घी का लाओगे दूध डेयरी पर लाओगे कि हाँ दूध डेयरी पर थी हाँ यही ले आऊंगा लोनी आधो किलो ले आऊंगी। चलो 260 ले तो या 230 ले तो किलो कतरा बनाऊंगी जतरा बने तरह ले आऊंगा 100 रुपए 15 बना बस कर ले आऊंगा। लोनी का लोनी लोनी मत रे यार डब्बा को मस्त छे डब्बा का है डब्बा जड़े नहीं अमूल को कतरा पे किलो जड़े ना अमूल को 100 560 90 को नहीं अरे लोनी दद्दी लोनी जड़ा ठीक ने पटु घी ले आऊंगी कतर पावे कतर हां गजा घाटी आधी एक पैकेट ले आओ जी तब 200 ग्राम को आता है एक पाव ले आधी गजा घाटी। हां ₹400 को बिल 600 को आईडी दे जी मग। तो गाइस अभी बना अभी है दूध क्यों मंगा लेता है लड्डू बनाएंगे और खाएंगे और बहुत ही अच्छी जिंदगी चल। पैसा तो बची गया मम्मी यारो बच्चा का चक्कर भी ले आयो रघू ले आयो। तो फाइनली गाइस अभी अंकल बना रहे हैं क्या बनाओ यू क्यों हलवा। तो गाइस हलवा चल रहा है हलवा बन रहा है वही खाएंगे बनाओ मावो मावा दूध भी हाँ दिया 10 रुपये के लालच मावो बना के दूध को हाँ। तो गाइस ये है घी सस्तू चल रहा है यार कहीं भी कहीं, और ये खाने के लिए तैयार है आज तो ये लड्डू पूरा इसका ही बनेगा। रघु थोड़ा बंदा तो भर ला और का हुई गरम क्यों बस हुई त्रिगा दिया। तो बन गया है फिर खाते हैं मस्त तुक्का में का खोद रही है सब जी तुक्का तो इधर तो आ तो कर ले तो रे वाह अरे अच्छा नहीं बन रहा न बंडा रन बंडा लाऊं देर काम में जिंदगी पूरी काम में मजा आएगी। तो गाइस मेरे घर भी सेक रहे हैं क्या बताना चाहिए यार मतलब घी मतलब लोनी गरम कर रहे हैं मेरे अंकल के यहाँ भी मरो मेरे घर भी। ओ तो ये है अंकल की लड़की यशवंत अंकल की लड़की तो ये है पायला और गाइस बहुत गुस्से में शायद मुस्कान को ढूंढने आ रखी है उसकी सिस्टर को। तो अभी यहाँ से ले जाते हैं बंडे और मम्मी को देते हैं और घर में बहुत सारे मतलब आ रहे हैं मेजबानी समझ लो यार और ये ले जाते हैं घर और मम्मी को देते हैं। तेरे हिसाब से अपना कई नॉलेज नहीं है तो कहीं मेरे को बना के थोड़ी आओ आपसे बिल्कुल कम एक डब्बा में तो पहले बोल कर लाए गाली ला है यार गाल लाई के शांति तरह पापा को शांति नहीं कर ले पचर करूँ कि कहीं राखूँ।
राहेल चलती। और गाइस मैं चारा किसी और का ले आया था तो ये मम्मी मेरे को चिल्ला रही थी कि क्यों ले आया, क्यों ले आया ऐसे। पापा भी होशियार बन रहे थे कि क्यों लाया ऐसा वैसा। तो गाइस इसी की खुशी में पापा को एक एक गिलास घी पिलाएंगे। बहुत चिल्ला रहे थे कि नहीं पीना जी। जरा लोग ने खाए पिया और बता बता फटा। वीडियो बन रही है यूट्यूब पर डाल दो। डालूंगा चुपका चुपका खाना कहीं भी चीज का ही नहीं। तुम्हारी हजारों लोग ना कोकड़ा बोल रहे होगे। हजारों लोग ना को बता मलिन चारों में ये करना मन रही तो पला गाओ बेटा ना हूँ कर हाथ उड़ रहा हूँ कहीं तो एक कड़ाई रहा है। तो गैस क्यों मेरा बोल रहा है और क्या बताऊँ यार। बहुत ही सुनना पड़ गया घर वालों के साथ कि पापा भी चिल्ला रहे फालतू में। और गैस ये जो चरी है ना यहाँ पर है दिख नहीं रहे। तो गैस किसी और का सारा ले आया था। दो गाली थी गाइस, एक अंधेरे में थी और एक बाहर थी। तो मैं जो शुरू में थी उसी गाली से चारा उठा के ले आया। और गाइस वो दूसरे का चारा था तो अभी लेने आया तब जाके पता चला कि मैं किसी और का चारा उठा रहा तो फिर वापिस रखने गया और अपना खुद का चारा लेकर आ गया वापिस। और ये घर वाले भयंकर चिल्ला रहे थे कि क्यों लाया ऐसा वैसा। और अभी लड्डू बन रहे वही खाएंगे। तो गाइस पप्पा बहुत ही ज्ञान की बात करते हैं और बहुत ही खुद को हीरो मानते हैं। तो गाइस हीरो ने गांव के चार छेटे नहीं पहचानते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो इनको जरा समझा दो गाइस, कमेंट बॉक्स भर दो पापा के लिए कि जरा समझा दो कि थोड़े बच्चों से डर के रहो वरना बच्चे बहुत बड़े हैं कभी भी मार सकते हैं तो फिर रिक्शा कौन लेगा गाइस। इसलिए मैं पापा को यही समझा रहा हूँ तो आप भी समझा दीजिए कि ज़्यादा एड़े चाले ना करे, अपनी हद में रहे। और पापा के जो पापा है ना उनसे मैं बोल दूंगा कि अपने लड़के को थोड़ा संभाल के रखे क्योंकि आजकल के बच्चे हैं ना बहुत ही खतरनाक है और दिमाग बहुत ही खतरनाक चलता है और तो थोड़ा गरम दल के होते हैं। हाँ थोड़ा गरम दिमाग के होते हैं तो थोड़ा दूर रहे ऐसे बोल दीजिए पापा को ताकि मेरे से दूर रहे क्योंकि गाइस मैं बहुत ही खतरनाक हूँ और खतरनाक ही हूँ। तो पप्पा को थोड़ा सिखा दीजिए कि जमन नहीं गई। पप्पा की और मेरी जमती नहीं है। पप्पा ज्यादा होशियार बनते हैं तो पप्पा को मैं उड़ा भी सकता हूँ। तो दादी के पास जाएंगे और बोलेंगे और वो खुमा दाजी है ना जो मेरे दादा है ना उनको मैं नाम से बुलाता हूँ और ये मेहताब है ना इनको भी नाम से बुलाता हूँ और वो जो बेटर की है ना उसको भी नाम से सुनीता बाई है उसको भी नाम से बुलाता हूँ गाइस। तो आप भी मेरे जैसे सीखे कि पेरेंट्स को कैसे बुलाना चाहिए नाम से बुलाना चाहिए क्योंकि गाइस नाम से जो अपन जो नाम रखते हैं ना तो नाम ही से बुलाना चाहिए ये एक नया नियम है मेरी तरफ से। तो आप भी अपने माँ बाप को नाम से बुला सकते हैं मेरे हिसाब से। और अभी लड्डू बन रहे हैं वो खाएँगे और गाइस पप्पा भी खाएँगे तो पप्पा कम खाएँगे क्योंकि पप्पा ना काम ज़्यादा करते हैं तो थोड़ा कम लड्डू खाएँगे। और गाइस पापा गूंगे भी है बोल नहीं रहे अभी कुछ नहीं बोल रहे। थोड़ी देर तो पहले तो बहुत चिल्ला रहे थे कि ऐसा वैसा फलाना ढेकना और अभी कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि अभी शांत बैठ रखे हैं। कहीं बोल मार तो खाए रहे बस काई बोला रहे कर कहीं 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 अभी तो रेट के चलो अभी कहीं अभी तुम्हारी बात तो सुनो नहीं तुम बोलो काय समझा तो का हजार बात समझाई दी समझ में तुम्हें एक बात नहीं आओ तू कहे वो सत्य हमारे तो कहीं सुनो नहीं तू सारी बात प्राणी रे मतलब तू कहती मतलब इतिहास बन जाए समझी इतिहास बन जाए हम कहाँ थे आते ऐसे नौकर तुम नौकर आदमी नौकर आए तुम पुराना जमाना का आदमी अब हम नया आए थे हम जो बोलेंगे वो इतिहास बन जाएगा गाइस। तो मैं जो बोलता हूँ वो इतिहास बन जाता है देखिन निकल रहा चल रहा। तो गाइस पप्पा जो पप्पा को पढ़ते थे ना पप्पा खोदरा में जाके पढ़ते थे मतलब नहाते थे वहीं भी पढ़ते थे और वही दिमाग है खोदरा वाला दिमाग है पापा के अंदर खोदरा वाला भी बहुत आवा तो किताब वाचिल लेम कहीं नहीं आता। तो गाइस पापा ना पापा को बस किताब ही वास्ते आता है और बस कुछ नहीं आता है आ रहा था कहीं तो वही हिंदी लाओ समझ सब वात ले अंग्रेजी भी वात ले संस्कृत वात ले सब कहीं कहीं नहीं आओ। तो गाइस आता कुछ नहीं है फालतू में चूतिया बना रहा है मैं चूतिया बना रहा है तो एक काव को पचल रख दे मात्र आवे। और गाइस कुछ नहीं इंग्लिश में नाम लिखते ही नहीं आता है इंग्लिश में साइन कर दे ना लिखना। तो गाइस कमेंट में लिख दो मेहता बेस के करके लिख दो गाइस तो पापा खुश हो जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा यार ये दिमाग का भरता बना रहे एमएसएस के राइटिंग एक बार मास्टर का नहीं होता ऐसे लिख दियो ले चुड़की मम्मी इन्हें पप्पा की कथा नहीं सरती लेट लाओ बताऊं तो कुम्हारी राइटिंग। तो गाइस अभी लड्डू खाते हैं और फिर खत्म करेंगे थोड़ी देर इंग्लिश में।
गाइस अभी पापा साइन करेंगे, देखते हैं पापा को आता है नहीं। अगर गाइस साइन सही नहीं हुई तो गाइस अनपढ़ घोषित कर देंगे, मेहताब एस के सही नाम लिखेंगे तो गाइस सोचेंगे कि पढ़े लिखे, वरना अनपढ़ घोषित कर देंगे। आप कमेंट बॉक्स में अनपढ़ लिख देना। तो फाइनली गाइस ये साइन हो चुकी है, साइन तो देखा ही थी नीरे क्यों कोई मालूम ये कहाँ है मेहताब लिखना कई ओवर स्मार्ट मत बन, कई कंपनी जॉब नहीं देना मेरी तो कमी थी एमएस एमएस लिख दी। तू कह हिंदी में आओगे तो पक्का सुन नहीं आवा, देख अभी मेहताब भी लिख दियो ना। तो गाइस मैं पापा को बोला था कि इंग्लिश में लिखो, लेकिन पापा हिंदी में लिखते हैं, पापा को हिंदी आती है। और गाइस अभी पापा सीख रहे हैं, पापा को सिखाना पड़ेगा। और गाइस राजू भाई का कॉल आ रहा है तो उठाना पड़ेगा, और बातें होंगी वो फिर और ब्लॉग में बताएंगे। पहले गाइस राजू से बात भी हो गई, पापा इतनी साइन कर दिए क्योंकि पापा को मैं अनपढ़ बोल दिया था, इसलिए इतनी साइन कर दिया ताकि पापा पढ़े लिखे हैं। गाइस लाइक मार देना, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे छन गए अनपढ़ समझ रहे, इसीलिए इतनी साइन कर दिए। तो गाइस पढ़े लिखे हैं दसवीं तक। और गाइस पापा की नौकरी भी लग गई थी, लेकिन सरकार को पता नहीं, सरकार ने सस्पेंड कर दिया पापा को। मत कहिए। तो गाइस पापा छोड़ दिए पढ़ना बाद में, तो बहुत ही खतरनाक स्टोरी है गाइस आगे की, तो वो तो और अगले व्लॉग में बताएंगे। तो अभी लड्डू वड्डू खाते हैं यार, चक्की बना दी मम्मी। तो ये भैया ये यल, तो गाइस चार्जिंग भी कम है, चार्जिंग भी रखना पड़ेगा, और ये ठंडी होते टाइम लगेगा, वहाँ से चार्जिंग रख देते हैं मोबाइल। ये भैया ये, और थोड़ी वेट करते हैं और खाने का। तो फाइनली गाइस चक्की बन गई है, मैं तो लड्डू बोल रहा था लेकिन चक्की बना दी घर वाले, तो ये पापा भी खा रहे हैं, चक्के देखेंगे कैसा लग रहा है, एकदम एक नंबर। तो गाइस हर वीडियो में एक ही नंबर बोलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बोलते। अरे सुपर बनी रहे, सुपर भी बोलते गाइस, और स्वादिष्ट। तो गाइस चक्के देख लेते हैं, मैं पहले भी खा लिया लेकिन और चक्के देख लेता, टेस्ट करिन देख ले। गजब बनाया। और गाइस जरा से लायो हतरा खाना और काल खाओ, ऐसा नहीं यार थोड़ी तो गाइस पापा को हिंदी नहीं आता बराबर। तो गाइस इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म करते, और कई चैनल सब्सक्राइब कर दे कई यार एक बार खाई लेना। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक मार देना और कमेंट से भर देना फुल कि आज पापा और मेरा झगड़ा हो गया भयंकर वाला। तो कौन सही है कौन गलत है कमेंट में बता देना, तो फिर पापा को मैं बता दूंगा। और अगली तैयारी के साथ मिलेंगे, कल कुक्सी भी जाना है तो वहाँ पर भी जाएंगे। तो बाय।